Hello students, in today's session we will be looking into the words which I have taken from the Hindu newspaper. I used to make this video on a regular basis so that the students who are preparing for any government exams or for any exams, whatever it may be, in every competitive exams, reading comprehension is being asked. So in order to crack those reading comprehension, you need to have a good command over vocab section. So in order to have that, you must go through the Hindu newspaper on a regular basis so that you can learn some new vocabs every day. You can also watch this video regularly and can learn the same. So without wasting any of your time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is metal. It means a person's ability to cope well with difficulties, spirit and resilience. Means koi bhi insaan किसी भी सिचुएशन के साथ जब मिलाने लगता है, मींस कोप अप करता है. अगर सिचुएशन ख़राब है तो उसके हिसाब से बनता है, या फिर अच्छा है, आराम है तो उसकी तरह बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रूव हिज मेटल एंड शो दैट ही वॉज डेयरिंग इनाफ टू जॉइन द क्लब, टिमी हैड टू स्पेंड एन आवर अलोन इन द हॉन्टेड हाउस ऑन द हिल. उसे प्रूव करना था कि वो बहुत सही कैंडिडेट है उस क्लब में एंट्री के लिए, और बहुत ही ज़्यादा वो कोप अप कर सकती है, तो इसके लिए उसको भूत वाले घर में एक घंटा रहना था. सिनोनिम्स हैं फॉर्टिट्यूड, टेनेसिटी, स्पिरिट, वैलर. एंटोनिम्स हैं कोवार्डेस, टिमिडिटी, वीकनेस. नेक्स्ट वर्ड इज श्रेउड. इट मीन्स मेकिंग, हैविंग और शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट. एस्ट्यूट मीन्स आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को जजमेंट दे सकते हो. For example, as a motivational speaker, Clerk is a shrewd manipulator of human emotions. जितना अच्छा वो motivational speaker है, उतना ही अच्छा वो human के जो emotions हैं, कोई भी इंसान उसका emotion में वो क्या करेगा या फिर क्या चाहता है, उसको अच्छे से Clerk समझ सकता था. Synonyms हैं astute, sharp-witted, sharp, acute, intelligent. Antonyms हैं stupid, unwise, ingenious. Next word is parry. It means to manage cleverly to avoid dealing with a difficult question or some criticism. Means इतने अच्छे से किसी को टरका देना जिससे आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठे या फिर आपका कोई बुराई ना करे. For example, predictably, the president parried inquired about the arms scandal. जो president है उन्होंने इतने अच्छे से scandal वाली बात को टरका दिया, इग्नोर कर दिया, कि वो बहुत ही मीन्स बचा दिया. सिनोनिम्स हैं इवेड, साइड स्टेप, अवॉइड, डॉज. एंटोनिम्स हैं अट्रैक्ट, अलाउ, कन्फ्रॉन्ट, इनकाउंटर. नेक्स्ट वर्ड इज लोरिड. इट मीन्स प्रेजेंटेड इन विविडली शॉकिंग और सेंसेशनल टर्म्स. मीन्स बहुत ही भयंकर भयंकर टर्म यूज़ करके किसी भी चीज़ को दिखाना या प्रेजेंट करना. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रीड ऑल द लोरिड डिटेल्स ऑफ द अफेयर्स इन टुडेज पेपर. आज के पेपर में तुम जितने भी उसके खतरनाक जो डिस्क्रिप्शन है या न्यूज़ के बारे में बातें हैं वो तुम पढ़ सकते हो. सिनोनिम्स हैं सेंसेशनल, सेंसेशनलिस्ट, मेलोड्रामेटिक, एग्जैजरेट. एंटोनिम्स हैं रीस्ट्रेन, डिस्क्रीट. नेक्स्ट वर्ड इज मलेज. इट मीन्स अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. मीन्स आप जब किसी भी चीज़ से कंफर्ट नहीं होते हो तो आपको अजीब सी फीलिंग होती है, डिसकंफर्ट वाली फीलिंग होती है, डैट इज़ कॉल्ड मलेस. या फिर आप डिफ़िकल्टी मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो हुज एग्जैक्ट कॉज इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई. फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ मलेस दैट इफेक्ट्स बोथ इंटेलेक्चुअल्स एंड द मैसेस. मीन्स ये एक ऐसा कंडीशन है या ऐसा डिसकम्फर्ट वाला कंडीशन है जिसमें दिमाग और क्वांटिटी में लोगों को दिक्कत होती है. मासेस मतलब बहुत सारे, जब क्वांटिटी में जब हम बात करते हैं तब बोलते हैं. सिनोनिम्स हैं अनहैप्पीनेस, रेसलनेस, रेस्टलेसनेस, अनइजीनेस, अनईज. एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, वेलबींग. नेक्स्ट वर्ड इज ओगल. इट मीन्स स्टेयर एट इन अ लेचरस मैनर. मीन्स किसी को घूरना. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट वुमेन डिसलाइक बींग ओगल्ड. किसी भी औरत को पसंद नहीं है कोई उसको घूरे. सिनोनिम्स हैं स्टेयर, गॉक. एंटोनिम्स हैं इग्नोर, नेगलेक्ट.
So guys, that's it for today, and we'll be back with some more words in my next video. So till then, goodbye and thank you, and please subscribe to my channel and do like this video. And if you guys have any suggestion, please feel free to comment down below so that I can improve this video and can make this video much more beneficial to you. Thank you.